हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें कि आप देख सकते हैं 14th वीडियो है DFCCIL 2018 क्रैश कोर्स का, जिसमें कि नॉन टेक जीके का 5th वीडियो है। इसमें हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पद्म अवार्ड विनर्स 2018 की बात करेंगे। इससे आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है, आपके DFCCIL में अवार्ड से क्वेश्चन रहे ही हैं। सो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से ऐसे ही बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद्म विभूषण, इसको जरूर आप याद रखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही पार्ट है पद्म विभूषण वाला। तो इसमें दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। तो पद्मश्री में आपको कैसा है कि पद्मश्री में आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है, चाहे आपके जो आर्ट से रिलेटेड हैं जैसे एक्टर वगैरह हो गए, चाहे फिर आपको सिंगर वगैरह हो गए, तो इस टाइप के पूछते हैं। बाकी दूसरे दूसरे एरिया में, चाहे फिर पीस के क्षेत्र में हैं तो उससे पूछते हैं। बाकी आपको पद्म विभूषण पद्म भूषण वो तीनों आप दोनों को आपको पूरा याद रखने हैं, और पद्मश्री वाले में आपको सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण में फर्स्ट नाम है आपका, ये देख सकते हैं इल्लैया राजा, जो कि आपके तमिलनाडु से हैं, और यहाँ पे पद्म विभूषण इनको 2018 मिला है आर्ट के क्षेत्र में। यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट लिखा हुआ, यानी कि कला के क्षेत्र में। यहाँ पे आपको उनके बारे में लिखा हुआ है कि म्यूजिकल जीनियस फॉर, ये देख सकते हैं, अनपैरलल्ड कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड तमिल लैंग्वेज। तो तमिल के ये हैं। सो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने सबके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है पिक के साथ आपको दिया है, ताकि याद रखने में आपको बहुत ही आसानी हो। सो देख सकते हैं फर्स्ट आपके इल्लैया राजा, जो कि तमिलनाडु से हैं आर्ट के क्षेत्र में, इतना सिर्फ ध्यान में रखिए इसमें। नेक्स्ट है आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, स्कॉलर हैं, ये आपके देखते उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो ये नाम याद रखिए, काफ़ी फेमस आदमी है ये भी। ये महाराष्ट्र से हैं आर्ट के क्षेत्र में, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। तो ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, स्कॉलर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, और इनको भी पद्म विभूषण मिला इसी साल 2018 में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पी परमेश्वरन, जो कि लिटरेचर और एडुकेशन के क्षेत्र में मिला है, ये केरला के हैं, पद्म विभूषण 2018। तो देख सकते हैं ये क्या है, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, स्कॉलर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये तीनों काफ़ी फेमस नाम है, आप जरूर इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पंकज आडवाणी, काफ़ी फेमस नाम है पंकज आडवाणी, इस बार क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज आडवाणी। स्पोर्ट्स से हैं, कर्नाटका से, पद्म भूषण इनको मिला है। तो ये आपके पद्म भूषण की अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं 18 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है ये बिलर्ड्स एंड स्नूकर में, 6 एशियन टाइटल्स एंड 29 नेशनल चैंपियनशिप टाइटल्स इनके नाम हैं। तो ये जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। दूसरे इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है आपके मेट्रोपोलिटन बिशोप, ये आपके फिलिपोज और ये मेट्रोपोलिटन से आप नाम इनका याद रखें, थोड़ा सा बड़ा नाम है तो आपको ध्यान में रखना है इसको। केरला से हैं, पद्म भूषण 2018 इनको मिला है। नेक्स्ट ये इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि पहले फॉर्मर ये कैप्टन है आपके इंडियन टीम का, अभी भी ये वनडे मैच खेलते हैं आपके, वनडे और T20 टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। सो वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया था 2011 वाला। सो यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी देख सकते हैं, झारखंड से आते हैं, स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण मिला था इसी साल 2018। नेक्स्ट आप ये जरूर ध्यान में रखिए, ये आपके हैं देख सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन एम्बेसडर टू इंडिया। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ये रशियन एम्बेसडर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तक। तो इसमें देख सकते हैं नाम है इनका अलेक्जेंडर कैडकिन। तो ये याद रखिए, पद्म भूषण इनको मिला है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, ये बिलोंग करते हैं आपके रसिया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रामचंद्रन नागास्वामी, जो कि आपके तमिलनाडु से हैं, इनको भी मिला है। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टोरियन एंड ओवर आर्के, ये जो भी है आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसके क्षेत्र में इनका है। तो इनका भी नाम आप याद रखिए, सिर्फ रामचंद्रन नागास्वामी, जो कि तमिलनाडु से हैं, पद्म भूषण इनको मिला है। दूसरा वेद प्रकाश नंदा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेहरा है, ये लॉ प्रोफेसर भी रह चुके हैं और लिटरेचर और एडुकेशन के क्षेत्र में यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो इनको भी पद्म भूषण 2018 मिला है।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण पाई, ये आपके गोवा से हैं, आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है पद्म भूषण 2018, इतना से भी याद रखिए, बाकी इनका डिस्क्रिप्शन आपको लिख दिया गया वो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है पंडित अरविंद पारीख, जो कि ये भी महाराष्ट्र से हैं कला के क्षेत्र में, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे आपके ये हैं आपके सितारिस्ट हैं, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो ये आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं पंडित अरविंद पारीख, इनको पद्म भूषण 2018 इनको मिला है। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूनेस्को इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेहरा है ये चर्चित, सो इसको इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपको शारदा सिन्हा, ये भी बहुत ही पुरानी आपके क्लासिकल इसके मैथिली के सिंगर हैं ये, और भोजपुरी फोक भी गाती हैं, मैथिली भी गाती हैं, आपके म्यूजिशियन हैं, लिरिसिस्ट हैं, छठ पूजा के सॉन्ग के लिए काफ़ी फेमस हुई थी, आपके एक मूवी भी आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी इनका सॉन्ग आया था, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं शारदा सिन्हा, इनको भी पद्म भूषण 2018 मिला था, ये भी बिहार से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री का, तो पद्मश्री का मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो आपके जैसे आपके हैं पीस के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ये ध्यान में रखिए, बाकी अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो आप रखिए, लेकिन जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है और आर्ट के क्षेत्र में जैसे एक्टर वगैरह हो गए, तो इनका जरूर नाम याद रखिए क्योंकि इनसे पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि रानी एंड ये अभय बेंग, मेडिसिन के क्षेत्र महाराष्ट्र, दामोदर गणेश बापत, सोशल वर्क वाले भी याद रखिए, सोशल वर्क में भी पूछते हैं क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रफुल्ला गोविंद बरूच, ये हैं आपके लिटरेचर एजुकेशन असम से। नेक्स्ट ये सारे पद्मश्री हैं, ये देख सकते हैं कि मोहन स्वरूप भट्टा आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं पद्मश्री 2018, सुधांशु विश्वास सोशल वर्क के क्षेत्र में, याद रखिए सोशल वर्क इंपॉर्टेंट है आपका, वेस्ट बंगाल से हैं। फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये देख सकते हैं साइखोम, नेक्स्ट आप देखें कि साइखोन मीराबाई चानू स्पोर्ट्स मणिपुर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाले का जरूर आता है, पूछ सिर्फ नाम देंगे बोल देंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाहे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अवार्ड मिला था, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, वेटलिफ्टर हैं ये। नेक्स्ट आप देखें पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी लिटरेचर एजुकेशन छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं पद्मश्री 2018, ये जोश जॉय ए कॉन्सेप्शन, ये देख सकते हैं कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में फिलीपींस से हैं, इनको भी पद्मश्री 2018 मिला, तो ये फॉरेनर है, इनका नाम जरूर याद रखिए, पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके ये देख सकते हैं कि इनका भी थोड़ा सा नाम अजीब है, सो आप इसको इनको ऐसे सुबा दानी देवी के नाम से जानिए, ये भी मणिपुर से हैं आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री 2018 मिला था। नेक्स्ट आप इनका नाम जरूर याद रखिए सोमदेव किशोर देव बर्मन, ये आपके त्रिपुरा से हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, याद रखिए काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं, तो देख सकते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है ए सी ढोनेन मेडिसिन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आपके अनूप कुमार दत्ता लिटरेचर एजुकेशन असम, उसके बाद है आपका डुड्डा रेंज गोरा जो कि कर्नाटका से हैं, जैसे सदानंद गौड़ा है तो ऐसे वैसे ही ये भी गौड़ा जी हैं, इनको आपको आर्ट के क्षेत्र में कर्नाटका से मिला है। नेक्स्ट है आपके अरविंद कुमार गुप्ता लिटरेचर एजुकेशन महाराष्ट्र, ध्यान में रखिए दिगंबर हंसा लिटरेचर एजुकेशन झारखंड पद्मश्री 2018। नेक्स्ट देख सकते हैं ये मलेशियन है आर्ट मलेशिया दातुक रामली इब्राहिम, तो इनका भी नाम फॉरेनर है, इनको भी पद्मश्री मिला है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है अनवर अहमद अनवर जलालपुरी, ये लिटरेचर एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो इनको भी पद्मश्री 2018 मिला है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लिटरेचर एजुकेशन नागालैंड, नाम आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हैं कि ये सोशल वर्क के क्षेत्र में कर्नाटका, इनको मिला है, नाम आप ध्यान में रखिए इसमें। नेक्स्ट है मालती जोशी लिटरेचर एजुकेशन मध्य प्रदेश पद्मश्री 2018, इनको आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी सारे मूवीज में भी आए हैं, आप पहचानते होंगे इनको, काफ़ी सारे फिल्म में हिंदी फिल्म में भी आए हैं, ये मराठी में भी एक्टिंग करते हैं, गुजराती फिल्म में भी काम करते हैं, थिएटर में भी काम करते हैं, अभी रिसेंटली चाणक्या टीवी में जो सीरियल आ रहा है उस पर चाणक्या का रोल इन्होंने किया है, चाणक्य का। सो नाम है इनका मनोज नवनीत जोशी, जो कि आर्ट के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, तो इनका ये ध्यान रखिए ये इम्पॉर्टेंट है, पद्मश्री 2018 इनको मिला है। नेक्स्ट रामेश्वर लाल कावरा ट्रेड इंडस्ट्री महाराष्ट्र पद्मश्री 2018, प्राण किशोर कौल जम्मू कश्मीर पद्मश्री 2018,
ये हैं आपके इस सब का सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि नाम है आपके अदर्स में लाओस, लाओस जो भी है जहाँ भी जगह का नाम है ये अपन ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे विजय कुमार किचलू वेस्ट बंगाल से हैं, आर्ट के क्षेत्र में इनको भी पद्मश्री, ये ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट है ये टॉमी कोह पब्लिक अफेयर सिंगापुर से, इम्पॉर्टेंट है इसका नाम याद रखिए। ये हैं आपके मेडिसिन के क्षेत्र में केरला, लक्ष्मी कुट्टी नाम है इनका, पद्मश्री 2018 ध्यान में रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं जॉयश्री गोस्वामी महंता आपके लिटरेचर एंड एजुकेशन आसाम से हैं, महंता ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इनका भी नाम याद रखिए, पद्मश्री 2018। नेक्स्ट है आपके नारायण दास महाराज जो कि राजस्थान से हैं, पद्मश्री 2000, स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनका नाम याद रखिए, स्पिरिचुअल से भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रभाकर महाराणा जो कि आर्ट के क्षेत्र में उड़ीसा से हैं, पद्मश्री 2018। नेक्स्ट आपके देख सकते हैं ये पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में कम्बोडिया से हैं, ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में इनको मिला है पद्मश्री, नाम इनका देख सकते हैं हुन मेनी नाम है इनका, कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये नौफ मारवाई साउथ सऊदी अरबिया के हैं, ये सऊदी अरबिया, पद्मश्री इनको भी मिला है, सो ध्यान में रखें फॉरेनर हैं। नेक्स्ट आपके ये देख सकते हैं कि जावेरी लाल दलपत राम मेहता, ये लिटरेचर एडुकेशन गुजरात, पद्मश्री, सो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णा बिहारी मिश्रा ये आपके लिटरेचर एडुकेशन वेस्ट बंगाल, पद्मश्री 2018। नेक्स्ट है शिशिर पुरुषोत्तम मिश्रा आर्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपके सुहासनी मिस्त्री सोशल वर्क वेस्ट बंगाल, याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सोशल वर्क में, पहले ही बोल चुका हूँ आपको इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क और स्पोर्ट्स, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ये देखिए टोमियो मिजोकामी ये आपके लिटरेचर एडुकेशन जापान से हैं, फॉरेनर भी ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट है आपके ये थाईलैंड से हैं आपके, बहुत बड़ा इनका है नाम तो आप ध्यान में रख सकते हैं, पद्मश्री 2018। नेक्स्ट है आपके केशव राव सदाशिव शास्त्री देख सकते हैं लिटरेचर एडुकेशन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लगे हुए सबके नाम हैं, कौन कौन से क्षेत्र में हैं। तो आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपके जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, और जैसे ये आपके स्पोर्ट्स से हैं महाराष्ट्र, ये आपके सोशल वर्क से हैं महाराष्ट्र, संपत ठाकुराम रामटेके, तो ये सब आप सिर्फ ध्यान में रखिए। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है सबके आपके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे चंद्रशेखर रथ लिटरेचर एडुकेशन उड़ीसा, सो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से इनका नाम याद रखिए किदाम्बी श्रीकांत स्पोर्ट्स आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपके हो गए सोशल वर्क नागालैंड से ये देख सकते हैं ठक्कर, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे, सबके नाम है यहाँ पे। तो आपको इम्पोर्टेंट जो देखना है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट आपके होंगे जो कि सोशल वर्क में हैं और स्पोर्ट्स, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फॉरेनर जो कि विदेशी हैं आपके, तो ऐसे नाम सिर्फ याद रखने हैं ध्यान में रखने हैं। ऐसे इनसे इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। पद्म भूषण पद्मभूषण सारे आप याद कर लें, ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे, सो आप लोग इसके नाम को आप लोग सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको याद रहे सारे तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो भी इसमें ध्यान में रखना है आपको सोशल वर्क और स्पोर्ट्स से, ठीक है। सो ये था हमारे आज के जीके के कुछ क्वेश्चंस, तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसमें से एक क्वेश्चन अब पक्का आएगा ही आएगा, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन। सो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आप लोगों का वीडियोस आते रहेंगे। डेली जीके का एक वीडियो आएगा आपके, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी एम टी, स्टे ट्यून्ड सी एम टी।